ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सो टुडे आई विल डिस्कस द प्रोटीन टारगेटिंग और ट्रैफिकिंग। आज हम बात करेंगे प्रोटीन टारगेटिंग की। प्रोटीन टारगेटिंग की डिफिनेशन एक हम शॉर्ट्स वीडियो में दे चुके थे ऑलरेडी। सो अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी ऐसी वीडियोज अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्रोटीन की डिफिनीशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में प्रोटीन टारगेटिंग की डिफिनीशन को देख सकते हैं। इसके अलावा वैसे इस वीडियो में भी हम प्रोटीन टारगेटिंग की डिफिनीशन की बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोटीन टारगेटिंग क्या है? ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके बाद जब ट्रांसलेशन होता है, मीन्स कि जब आरएनए से प्रोटीन बनता है लाइक दिस, तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ट्रांसलेशन जो है यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसलिए उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद ट्रांसलेशन हुआ, तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस हुई है, सिंथेसिस के बाद क्या होता है कि जब ये प्रोटीन अपने करेंट डेस्टिनी पर पहुंचता है, अगर ये प्रोटीन पेरोक्सीसोम का है तो अपने पेरोक्सीसोम सेल ऑर्गेनेल्स में पहुंच गया, अगर क्लोरोप्लास्ट का है तो क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गया, अगर लाइसोसोम का है तो लाइसोसोम में पहुंच गया, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया का है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंच गया, मीन्स कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद जो प्रोटीन है, अगर वो करेंट डेस्टिनी पर अपने पहुँच जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसे हम प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। तो ये डिफिनीशन है प्रोटीन टारगेटिंग की कि द प्रोसेस विच थ्रू प्रोटीन रीच टू दियर करेंट डेस्टिनी इज रिफर टू एज प्रोटीन टारगेटिंग और ट्रैफिकिंग। आई होप कि आपको प्रोटीन टारगेटिंग की डिफिनीशन समझ में आई होगी। फर्दर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें प्रोटीन टारगेटिंग की, हम तो बात किए, इसके अलावा अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम्स या कौन सा प्रोटीन किस सेल ऑर्गेनेल्स का होता है, तो अगर हम रूबिस्को की बात करते हैं, रूबिस्को जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं, तो रूबिस्को जो प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स है, ये मोस्ट अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है या एंजाइम्स है वो रूबिस्को है। रूबिस्को क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स का एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है। इसके अलावा अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं, तो लाइसोसोम का जो एंजाइम्स है वो एसिड हाइड्रोलेज है। इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एंजाइम्स है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। और अगर इसके अलावा हम एक और सेल ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम की हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम्स की बात हमने कर ली, इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल्स है पेरोक्सीसोम। पर ऑक्सीसम का जो एंजाइम्स है वो कैटेलेज है।
तो हमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स के प्रोटीन्स का भी नाम याद रखना है कि अगर क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है तो रूबिस्को एंजाइम्स होगा, अगर पराक्सीसोम की बात करें तो कैटेलेज एंजाइम होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड लाइसोसोम की अगर बात हो रही है तो एसिड हाइड्रोलेज उसका एंजाइम होगा। कभी कभी क्या है ना कि 2 मार्क्स में CSIR या फिर किसी भी लेवल का एग्जाम्स में पूछ लेता है कि किस सेल ऑर्गेनल्स का कौन सा एंजाइम है। तो आपको एंजाइम्स का नाम भी याद रखना मस्ट है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग की टाइप्स की। तो प्रोटीन टारगेटिंग का जो टाइप्स है, प्रोटीन टारगेटिंग 2 टाइप्स के हैं। एक पोस्ट ट्रांसलेशनल और एक को ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है। पोस्ट मीन्स बाद में, मीन्स कि एक सेल है, सेल के अंडर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंडर में ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है, मीन्स कि प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद जब प्रोटीन अपने करेंट डेस्टिनी पर पहुंचता है तब उसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। इसके अलावा को ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद सॉरी प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ साथ अगर प्रोटीन अपने करेंट डेस्टिनी पर पहुंच रहा है तो उसे हम को ट्रांसलेशनल कहते हैं, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग कह रहे हैं। को मीन्स कि टुगेदर, साथ साथ की बात करें, मीन्स कि प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ साथ प्रोटीन अपने करेंट डेस्टिनी पर भी पहुँच रहा है, इसलिए इसे हम को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग कह रहे हैं। और पोस्ट का मतलब है कि पूरी तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस हो जा रही है, उसके बाद जो प्रोटीन है वो अपने करेंट डेस्टिनी पर पहुंच रहा है, तो उसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। आप डिफिनेशन देख भी सकते हैं, टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन आफ्टर कंप्लीट ट्रांसलेशन, जब कंप्लीट ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोटीन अपने सेल ऑर्गेनेल्स को टारगेट करता है या पहुंचता है तो उसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। अगर और टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स टू दियर डेस्टिनी अलॉन्ग विथ ट्रांसलेशन, अगर वो साथ साथ ट्रांसलेशन के साथ साथ प्रोटीन अपने करेंट डेस्टिनी पर पहुँच रहा है तो उसे हम को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। अगर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें पराक्सीसोम है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन चारों में क्या होता है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग होती है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन चारों में को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग होती है। तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखना मस्ट है। क्योंकि CSIR इससे क्वेश्चन फिक्स हैं, पूछेगा तो पूछेगा। तो को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग को सेक्रेटरी पाथवे भी कहते हैं। को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग को सेक्रेटरी पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिकुलर चेप्रॉन्स की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ इसमें ट्रांसलोकॉन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलोकॉन के थ्रू ये करेंट डेस्टिनी पर प्रोटीन्स पहुंचता है। तो को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग को हम सेक्रेटरी पाथवे भी कहते हैं। इसके अलावा हम सीक्वेंस की अगर बात करें कि किस टाइप के प्रोटीन टारगेटिंग में क्या सीक्वेंस होता है, तो अगर हम पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग के सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हुआ, मीन्स कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, उसके बाद जब साइटोप्लाज्म को अब अपने करेंट डेस्टिनी पर पहुंचना है तो इसमें क्या है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल में किसी भी सिग्नल सीक्वेंस की तो ज़रूरत होती है, इसमें ट्रांसलोकॉन की ज़रूरत नहीं होती है। सॉरी ट्रांसलोकॉन की भी ज़रूरत होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम में क्या है कि ट्रांसलोकॉन की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है कि अब साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट अपने करेंट डेस्टिनी पर प्रोटीन पहुंचता है। पहले क्या, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ,
उसके बाद साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हुआ, मीन प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, उसके बाद वो अपने करेंट डेस्टिनी पर डायरेक्ट पहुंच रहा है। अगर वो पेरोक्सीसोम का है तो पेरोक्सीसोम में, क्लोरोप्लास्ट का है तो क्लोरोप्लास्ट में, उसके अलावा अगर न्यूक्लियस का है तो न्यूक्लियस में, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, इसके अलावा को ट्रांसलेशनल की अगर हम बात करते हैं, उसमें उसमें सीक्वेंस क्या है, तो पहले न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन की मीन्स की सिंथेसिस हो गई है। ओके, उसके बाद इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, उसके बाद गॉल्जी बॉडीज में जाएगा, उसके बाद गॉल्जी बॉडी, अगर वो लाइसोसोम का है प्रोटीन तो लाइसोसोम में जाएगा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा। हाँ, एक बात हम ये कन्फ्यूज हो गए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, कि क्यों कोर ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग को हम सिक्रेटरी पाथवे कहते हैं, क्योंकि इसमें वेसिकल की ज़रूरत पड़ती है। साइटोप्लाज्म से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन जाता है तो उसमें उसके लिए वेसिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग में क्या है कि किसी भी वेसिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए कोर ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग को हम सेक्रेटरी पाथवे भी कहते हैं। ओके, फर्दर हम देखते हैं। प्रोटीन ट्रैफिकिंग या टारगेटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले कि एक सिग्नल सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, उसके अलावा वेसिकल्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद मॉलिकुलर चेप्रॉन्स की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, तो गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू न्यूक्लियस का प्रोटीन टारगेटिंग होता है, मींस कि यहाँ बात कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, मींस कि प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर गेटेड आयन चैनल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन, वो न्यूक्लियस में होता है, इनमें पोर्स के थ्रू जाते हैं जो प्रोटीन्स हैं। ओके, ट्रांसलोकॉन की अगर हम बात करते हैं, तो हाँ, ट्रांसलोकॉन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम। तो हमें याद रखने वाली यहाँ पे ये बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम, ये तीनों जो हैं ये पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग के ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोर ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग का ऑर्गेनेल्स हैं। तो ट्रांसलोकॉन के थ्रू हमें याद रखना है कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स में प्रोटीन टारगेटिंग होती है। ओके, और गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू न्यूक्लियस में होता है प्रोटीन टारगेटिंग। इसके अलावा वेसिकल्स के थ्रू की अगर बात करें, यही सिक्रेटरी पाथवे है, मीन्स कि इसमें को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग वाले सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे। ओके, तो वेसिकल के थ्रू की अगर बात करें, तो एक सिंपल वेसिकल है और एक स्पेसिफिक वेसिकल है। तो सिंपल वेसिकल्स में क्या है ना, कि इसमें कोई स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्नाइज नहीं होता है। ओके, तो सिंपल वेसिकल तब यूज होता है जब गॉल्जी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब जाता है प्रोटीन, तो सिंपल वेसिकल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और स्पेसिफिक वेसिकल्स तीन तरह के हैं, एक कॉप फर्स्ट है, कॉप सेकंड और क्लैथरिन कोटेड वेसिकल। ओके, तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि कब किस वेसिकल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थोड़ा सा पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हुआ। ओके, उसके बाद जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्जी बॉडीज में जाएगा, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्जी बॉडीज में प्रोटीन जाएगा, तब कॉप सेकेंड की जरूरत पड़ती है। ओके, इसके अलावा अगर गलती से साइटोप्लाज्म से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन गॉल्जी बॉडीज में चला जाता है, तब जाके गॉल्जी बॉडीज का जब प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, मींस कि रेट्रोग्रेसिव पाथवे होगा, मींस कि उल्टा जब जा रहा है अपोजिट, तब कॉप फर्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, कॉप फर्स्ट वेसिकल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आई बात समझ में? जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गल्जी बॉडीज में जब प्रोटीन जाएगा, तो कॉप सेकेंड वेसिकल की ज़रूरत पड़ती है। अगर गलती से साइटोप्लाज्म से गल्जी बॉडीज में चला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन, तो फिर से उसको गल्जी बॉडी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाने के लिए, मीन्स अपोजिट लाने के लिए, कॉप फर्स्ट वेसिकल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसके अलावा अगर गल्जी बॉडी से लाइसोसोम में जाना होता है प्रोटीन को,
तब क्लैथरीन कोटेड वेसिकल की जरूरत पड़ती है। ओके इसके अलावा अगर गॉल्जी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना होता है तब सिंपल वेसिकल की जरूरत पड़ती है। ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको वेसिकल्स का नाम याद रखना है और कब किस ऑर्गेनल से कब प्रोटीन जा रहा है किस ऑर्गेनल्स में तब किस वेसिकल की जरूरत पड़ रही है इस बात को आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये CSIR 2 मार्क्स में भी 4 मार्क्स में भी पूछता है, इससे क्वेश्चन फिक्स हैं। ओके सो, हमने ये देखा। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सिग्नल सीक्वेंस 4 तरह के दिए हैं और इनका ट्रांसपोर्ट स्टेप भी दिया है, वेसिकल्स का टाइप भी दिया है कि कौन सी वेसिकल्स की कब जरूरत पड़ेगी, और सिग्नल सीक्वेंस रिसेप्टर भी दिया है। अगर KDL सिग्नल सीक्वेंस है अगर KDL सिग्नल सीक्वेंस है तो KDL मीन्स KDL से परेशान नहीं होना है। K जो है ना, ये लाइसिन का सिंबल है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमने अमीनो एसिड्स की बात की है तो हमने सिंबल्स की उसके साथ बात किया है। तो K सिंबल जो है ना वो लाइसिन का है। ओके डी जो है ये स्पार्टेट का है और ई जो है ये ग्लूटामेट का है और एल जो है ल्यूसीन का है। ओके तो अगर KDL सिग्नल सीक्वेंस जब हुआ मींस कि ट्रांसपोर्ट स्टेप क्या होगा कि मींस जो प्रोटीन है वो गॉल्जी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। तो गॉल्जी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा मींस कि कॉफ फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी, कॉफ फर्स्ट वेसिकल की, और इसका रिसेप्टर क्या होगा, KDL रिसेप्टर होगा। ओके अगर वही अगर सेकेंड बात कर रहा है लाइसिन लाइसिन की, तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ भी गॉल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, यानी कॉप फर्स्ट वेसिकल की जरूरत पड़ेगी। ओके और इसमें रिसेप्टर जो है कॉप अल्फा एंड कॉप बीटा सब यूनिट रिसेप्टर हैं। ओके इसके अलावा सिग्नल सिक्वेंस में क्या है कि डाई एसिडिक की अगर हम बात कर रहे हैं, एस्पार्टेट ग्लूटामेट ये दोनों एसिडिक हैं। हमने उसमें बात बताया है कि एस्पार्टेट जो होता है वो हाईली एसिडिक है, एस्पार्टेट इज़ हाईली एसिडिक देन ग्लूटामेट। ओके तो आपको याद रखना है कि कौन से अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है, कॉमन बातें हैं। तो डाई एसिडिक की अगर हम बात करें तब इसमें स्टेप क्या होगा कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्जी बॉडीज में जाएगा प्रोटीन। ओके तब कॉफ सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी और इसका जो रिसेप्टर है अभी तक नोन नहीं है। ओके अगर मैनोस 6 फास्फेट सिग्नल सीक्वेंस है तो इसमें क्या होगा कि गॉल्जी बॉडी से लाइसोसोम में जाएगा। ओके या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइसोसोम में जाएगा, तब जाके जो वेसिकल की जरूरत पड़ेगी क्लैथरीन कोटेड वेसिकल की जरूरत पड़ेगी और इसका रिसेप्टर मैनोस 6 फास्फेट रिसेप्टर होगा। ओके यहाँ पे लोगों से हाइड हो गया है, यहाँ पे मैनोस 6 फास्फेट रिसेप्टर है। ओके तो आपको ये याद रखने वाली मस्ट है। इसमें कोई कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, जितना CSIR पूछता है उतना हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हमने लाया है यहाँ पे, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ओके इसके अलावा ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके आप ये याद कर सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इसको। इसके अलावा हमने बात किया था कि लास्ट वन एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है टारगेटिंग के लिए, मॉलिकुलर चेप्रॉन्स की। ओके तो मॉलिकुलर चेप्रॉन्स की अगर बात करें तो जो प्रोटीन टारगेटिंग के दौरान प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग के लिए ना मॉलिकुलर चेप्रॉन्स मस्ट होता है। ओके इसके अलावा अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो वही फंक्शन में क्या है कि मॉलिकुलर चेप्रॉन्स जो है ना ये एक्टिव होता है GTP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, और मॉलिकुलर चेप्रॉन्स का कंसेप्ट ये है कि प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग के लिए मस्ट होता है। ओके तो 3 टाइप्स के मॉलिकुलर चेप्रॉन्स है, HSP-70, HSP-60 और बीप चेप्रॉन्स। HSP-70 मीन्स कि हिट्स ऑफ प्रोटीन, HSP का मतलब है हिट्स ऑफ प्रोटीन। ये एक्टिव होते हैं 30 to 35 डिग्री के टेम्परेचर पर, ये एक्टिव होते हैं, और HSP-17 है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन यही है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग को मेंटेन करता है। ओके
इसके अलावा HSP अगर सिस्टी की हम बात करते हैं तो HSP सिस्टी एक बैरल शेप्ड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो हाईली जो कॉइल्ड होते हैं एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड उनको नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड में रीफोल्ड करता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है और स्टीरिया कोलाई जो बैक्टीरिया है इसके उसके साइटोसॉल में भी ये प्रेजेंट होता है। और ये HSP70 यानी हिट्स ऑफ प्रोटीन सॉरी हिट्स ऑफ प्रोटीन सिस्टी जो है ये भी 30 to 35 डिग्री के टेम्परेचर पर एक्टिव होता है। इसके अलावा जो बीप चेप्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में और बैक्टीरिया के साइटोसॉल में, और बीप चेप्रॉन्स ये GTP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एक्टिव होता है। आपको याद रखना है कि HSP70 और HSP60 ये दोनों 30 to 35 डिग्री के टेम्परेचर पर एक्टिव हो रहे हैं लेकिन बीप चेप्रॉन्स GTP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एक्टिव हो रहा है। ओके, और बीप चेप्रॉन्स का मेन फंक्शन यही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग को मेनटेन करता है और HSP70 का भी यही काम है। ओके, सो ये प्रोटीन टारगेटिंग है। अगर आप इतना कर लेते हैं प्रोटीन टारगेटिंग में, अगर इतनी चीज़ें आपको याद है तो आप अच्छे से CSIR में प्रोटीन टारगेटिंग से अगर क्वेश्चंस पूछता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या है कि हमारे लिए मोटिवेशनल का वर्क होता है। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस। थैंक यू सो मच।